This is a good day. और आज ये बहुत ही अच्छा दिन है. I'm so glad to see all of you. आप सबको देखकर मैं अत्यंत खुश हूँ. And then you realize that you came with 15, 20 of the members of Believers Eastern Church from your area. और आप अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय कलीसियाओं से 15-20 ऐसे सदस्यों के बीच में से आए हैं. But then you realize when you have some 6,000 people, they are all from different parts of the country that are gathered here from the church. लेकिन मैंने इस बात को जाना कि यहाँ पर 6,000 से ज़्यादा लोग हमारे विभिन्न स्थानीय कलीसियाओं से जो विभिन्न देशों से यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए हैं. So when we gather for our meetings, जब हम अपनी सभा के लिए इस तरह से इकट्ठे होते हैं, don't sit with your language people or your particular state. तब आप जब बैठते हैं तो केवल अपने लोगों के साथ, अपने राज्य के लोगों के साथ, अपनी भाषा लोगों के साथ ना बैठें. And your diocese people should not be your friends here. यहाँ पर आपके डायसिस के लोग आपके मित्र ना हो. You should sit with some other language. आप दूसरी भाषा के जो हैं उनके साथ बैठें. Now when you make sabji, जब आप सब्जी बनाते हैं, it is not just tomatoes. ये केवल टमाटर नहीं होते हैं. Potato है. लेकिन वहाँ पर आलू भी होते हैं. People all this go together. और वहाँ पर सब कुछ डाला जाता है. चिल्ली भी डालते हैं. मिर्ची भी डाली जाती है. प्याज डालते हैं. प्याज भी डाला जाता है. अरे पिशाच मलयालम में सैतन, पता है आपको? पता नहीं है? आप कहे स्वर्ग में जाएगा तो मलयालम नहीं पढ़ता है. When I first went North India, जब मैं उत्तर भारत में पहली बार गया, they told me प्याज एंड मिर्च. उन्होंने मुझे प्याज और मिर्ची दी. I said I don't eat पिशाच. और मैंने कहा पिशाच मैं नहीं खाता. In my language, पिशाच means devil. और मेरी भाषा में पिशाच का मतलब होता है भूत. But प्याज is good. लेकिन प्याज अच्छा है. मिर्ची is good. मिर्ची भी अच्छी है. But केरला मिर्च नहीं, अच्छा नहीं है. केरला की मिर्ची अच्छी नहीं है. So please, when you come, don't look for your people. और इसलिए कृपा करके जब आप यहाँ पर आते हैं तो केवल अपने लोगों की तलाश में ना रहें. I know you will do it. और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करेंगे. Now turn to someone next to you and give them a hug. और आपके बाजू में जो खड़ा होगा उसे अच्छे से गले मिलिए. Thank you. See you. You got good. Okay, you can sit down. Please. ठीक है, आप बैठ जाएं कृपा करके. All right. I want to mention a few things that I think are quite important. और आज मैं कुछ ऐसी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है. This is for all of us. और ये हम में से हर एक के लिए है. Including your metropolitan. आपके मेट्रोपॉलिटन के लिए भी है. All our episcopals. हमारे जितने भी एपिस्कोपास हैं उनके लिए भी है. All our priests. हमारे याजकों के लिए. And our deacons. हमारे डीकन फादर लोगों के लिए. All the leaders. हमारे सारे अगुओं के लिए भी है. All of you participants. और आप जितने भी सहभागी हैं आप सबके लिए है. It is for all of us. ये हम में से हर एक के लिए है. One, when we have a meeting, say at 10 o'clock. और जब सभा होती है 10 बजे और 1 o'clock या फिर 1 बजे. फॉर एग्जाम्पल दिस मॉर्निंग आवर मीटिंग स्टार्टेड एट 9 o'clock. और आज की सभा 9 बजे शुरू हुई. इट विल गो टिल 10:30. और ये 10:30 बजे तक होगी. एंड द नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट्स एट 11:30. और दूसरी सभा 11:30 बजे शुरू होगी. एंड देन देयर इज अनदर सेशन 3 o'clock. और उसके बाद दूसरा एक सत्र होगा वो 3 बजे होगा. देन इवनिंग एट 5:30. और तब फिर उसके बाद 5:30 बजे. That's what I think I have. और ये जानकारी मेरे पास है. Okay. 9 o'clock का मतलब क्या है? सुबह 9 बजे का मतलब क्या है?
अरे मैं हिंदी में बोला, आप हिंदी में बोलते हैं, क्या बात है। नाइन ओ क्लॉक मीन्स नाइन ओ क्लॉक, 9 बजे का मतलब 9 बजे, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी, नाइन ओ क्लॉक मीन्स नाइन ओ क्लॉक। बट हियर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन समस्या ये है, एस्पेशली पीपल फ्रॉम इंडिया, और विशेषकर जो भारत के लोग होते हैं, वी गो बाय इंडिया टाइम, हम लोग भारतीय समय अनुसार हम लोग चलते हैं। वॉच वी हैव, हमारे पास घड़ियां तो होती है, बट इट हैज नो यूज, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं होता। इट्स ए 9 o'clock, यहां पर ये 9 बजे तो बोलता है। आवर आई सी इट, हमारी आंखें भी देखती है। समथिंग एल्स, कुछ दूसरा। सो वी जस्ट स्टार्ट टेकिंग अ शावर 9 o'clock, और तब फिर हम लोग 9 बजे नहाना शुरू करते हैं, और गो इन लैट्रिन, और गो इन लैट्रिन, लैट्रिन संस्था नहीं है, अरे हिंदुस्तान, या फिर शौचालय हम लोग जाते हैं। हाँ, शौचालय। बट 9 o'clock मीन्स एवरीवन हियर अंडर द टेंट हियर सीटेड फॉर मीटिंग, यहां पर, लेकिन 9 बजे का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति तंबू के अंदर सभा में बैठ जाए। दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, आई ऑल्सो गॉट अ फ्यू मिनट्स लेट, और मैंने भी काफी देर तक मैं सोया, आई ऑल्सो वॉज लेट, मैं भी विलंब से आया। तो मेट्रोपोलिटन है, वो डरते हैं। Because I forgot to take something from my aramana. I forgot. Not audible. Eh? You cannot hear it? You can hear from me? Okay. Because I forgot something that I left at the house. और कुछ चीज जैसे मैंने घर में मैं भूल गया। So then, on the way, I realized I must bring that. और तब फिर मैंने इस बात को जाना कि मुझे अवश्य रूप से उसे लाना चाहिए। So I was a little late. और इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। Which is not good. जो अच्छी बात नहीं है। I should have thought about it last night. और मुझे कल की रात इसके विषय में सोच लेना था। If I did, then I will not have to be late for the meeting. और यदि मैंने ऐसा किया होता तो मुझे सभा के लिए आज विलंब ना होती। So that's the reason I said it is for all of us. और इसीलिए मैंने कहा कि हम में से हर एक के लिए। One of the discipline of believers Eastern Church all over the world, it is we absolutely maintain time. हमारे believers Eastern Church के लिए पूरे संसार में एक महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने समय का पालन करें। If one of our church has 1,000 families, यदि कलीसिया में अगर 1,000 परिवार हैं, the worship starts at 9 o'clock. वहां पर आराधना यदि सुबह 9 बजे शुरू होती है, इवन इफ ओनली 10 फैमिलीज, दे विल स्टार्ट एक्जैक्टली एट 9 o'clock, और उसमें से 10 परिवार बिल्कुल ठीक 9 बजे ही शुरू करते हैं। एंड वन टाइम, एक बार, हियर इन आवर कैथेड्रल, हमारे कैथेड्रल में, आई टोल्ड द पीपल, मैंने लोगों से कहा, 9:30 आवर वर्शिप स्टार्ट्स, 9:30 बजे आराधना हमारी शुरू होती है। 9:30 द मेन डोर विल बी क्लोज्ड, 9:30 बजे जो मुख्य दरवाजा होगा वो बंद हो जाएगा। इफ समबडी इज लेट 1 मिनट, यदि कोई 1 मिनट लेट हो जाता है, दे कैन नॉट गेट इन द चर्च, और तब उनको चर्च में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दिस इज वेरी सीरियस, और इसे बहुत ही गंभीरता से सुने। व्हेन आई वेंट टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर, और जब मैं अपने प्रधानमंत्री को मिलने जाता हूँ, आई वॉज देयर 2 hours बिफोर माई अपॉइंटमेंट, और जब मैं गया तो मैं 2 घंटा पहले समय से पहुंच गया था। वाई, क्यों? He is my prime minister. क्योंकि वे मेरे प्रधानमंत्री हैं। I cannot be late. मैं विलंब नहीं कर सकता। What about meeting God? और परमेश्वर से मिलने के विषय में क्या है? What about meeting the Holy Spirit? पवित्र आत्मा से मिलने के विषय में क्या है? What about meeting God the Father? पिता परमेश्वर से मिलन का क्या है? I must fear God more than fear any man. और मुझे मनुष्यों से ज्यादा परमेश्वर का भय मानना चाहिए। We must respect God more than any human being. दूसरे मनुष्यों से बढ़कर आपको परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। That is the reason why spirituality that cannot be demonstrated is not true spirituality. और इसीलिए आत्मिकता जिसको प्रकट न किया जा सके वो सच्ची आत्मिकता नहीं है। So from now on, इसलिए आज से,
This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. If you are late, यदि आप देर से आते हैं, unless there is some serious reason, और जब तक कोई गंभीर ऐसा कारण ना हो, like you got diarrhea, हो सकता है आपको दस्त हो जाए. डायरिया बोला? दस्त. वो हेल्प नहीं कर सकते है. और तब उसमें हम कोई उसमें मदद नहीं है. We understand. Or you break your leg. Or you break your leg. आप अपने पैर को तोड़ दीजिए. But don't break anybody else's leg. लेकिन दूसरों के पैर को ना तोड़े. But otherwise, you should be here 5 minutes before the session start. लेकिन दूसरे लोग यहाँ पर सत्र के आरंभ होने से 5 मिनट पहले पहुंच जाएं. All bishops. हमारे जितने भी बिशप हैं, एपिस्कोपास, एपिस्कोपास हैं, विकार जनरल्स, विकार जनरल हैं, ऑल प्रीस्ट, सारे याजक हैं, ऑल पार्टिसिपेंट और सारे सहभागी, एंड वर्शिप टीम और आराधना दल. इट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड दैट यू बी हियर 5 मिनट्स बिफोर द मीटिंग स्टार्ट. और ये सब के लिए बहुत ही अनिवार्य है कि मीटिंग शुरू होने के 5 मिनट पहले आप उपस्थित हो जाएं. इफ यू आर लेट, यदि आप देर से आते हैं, द सिक्योरिटी विल नॉट लेट यू इनसाइड द मीटिंग. और वो सिक्योरिटी जो है वहां पर आपको अंदर आने नहीं देंगे. And if you think you can stay outside, और यदि आप वहां पर बाहर खड़े होंगे, we will have you to go back home. और हम कहेंगे कि आप अपने घर जा सकते हैं. We are here only for few days. हम लोग यहां पर केवल थोड़े दिनों के लिए हैं. You must respect that. और आप इसका सम्मान करना चाहिए. Second thing, दूसरी बात. Yesterday I was driving all over our community. और कल मैं मेरी गाड़ी में मैं हमारे पूरे समुदाय के बीच में मैं घूम रहा था. 90% of them having the phone in their ear. और मैंने देखा कि सब लोगों में से 90% लोगों के कानों में उनके फोन लगे हुए थे. Android phone. और Android phone. Or any phone. और चाहे कोई भी फोन हो. What is happening? आखिर क्या हो रहा है? Your emotions, your mind is gone talking to people everywhere. और आप चारों तरफ जब लोगों से बात करते हैं तो आपकी भावनाएं और आपका दिमाग चारों तरफ बिखर जाता है. I understand maybe 1 hour a day, sometime free time you talk to people. और मैं सोचता हूं कि दिन में कभी जब आपको खुला खाली समय मिलता है तो थोड़ा बहुत आप बात कर सकते हैं. This is not a command. और ये कोई बहुत आज्ञा नहीं है. Please, I request you. मैं कृपा करके आपसे मैं विनती करता हूं. Have your telephone turned off in the morning. And only in the evening, when you have some free time, you make those calls. आप सुबह से अपने फोन को आप पूरी तरह से आप बंद कर लें और रात में जब आप सोने जाते हैं उस समय आप चालू कर सकते हैं. You don't need your phone on to take selfie. आपको स्वयं की तस्वीर खींचने के लिए आपके फोन को आपको चालू रखने की जरूरत नहीं है. Take my picture. यदि आप मेरी तस्वीर लेते हैं. Only 1 rupee. केवल 1 रुपया लगेगा. अरे कोई उसका पता नहीं है सेल्फी लेने के लिए मेरा पिक्चर 1 रुपए देना है. और मेट्रोपॉलिटन बता रहे हैं कि अगर उनके साथ अगर आप सेल्फी अगर लेना चाहते हैं no, तो उसके लिए 1 रुपए आपको लेना पड़ेगा. No, you don't have to. नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं. But take selfie. लेकिन जब आप सेल्फी लेते हैं फोटोग्राफ और या फिर ऑटोग्राफ लेते हैं, you don't need your telephone on. आपको अपने टेलीफोन को चालू करने की आवश्यकता नहीं. साइलेंस, आप उसे शांत कर दीजिए. बट प्लीज For kindness sake, don't use your telephone during the daytime. और आप कृपा करके दया करें और अपने फोन को दिन के समय इस्तेमाल ना करें. And in the night. और रात में. After our sessions. सारे सत्र समाप्त होने के बाद. There is time for confession. अंगीकार का समय है. You'll be meeting with the priest. आप याजकों से मिलेंगे. For confession and hearing the forgiveness. आप अंगीकार करेंगे और क्षमा को आप उनसे सुनेंगे. And they represent Christ. और वे आपके सामने मसीह को प्रस्तुत करेंगे. Some of you are carrying huge amount of burden and guilt. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही भारी दोष की भावना में आप दबे हुए हैं. Bitterness and unforgiveness. आपके जीवन में कड़वाहट और अक्षमा है. And your inside is not resting. और आपका जो भीतरी मनुष्यत्व है वो आराम नहीं कर रहा है. You need freedom. हमको आजादी की जरूरत है. Maybe some of you are hassled by demons. और आप में से कुछ लोग आधा जो है शैतान के द्वारा आप ग्रसित होंगे. Some habits you have you cannot break. और आपकी ऐसी कुछ आदतें होंगी जिसे आप नहीं तोड़ सकते. Somebody need to pray for you. आपके लिए चाहिए कि कोई दुआ करें. And help you. आपकी मदद करें. Maybe you're sick.
हो सकता है आप बीमार हो एंड वन ऑफ दोस प्रीस्ट विल प्रे फॉर यू और जब आपके याजक आपके लिए प्रार्थना करते हैं बट देन इफ योर टेलीफोन इज रिंगिंग और यदि अगर आपका टेलीफोन अगर ऑन है एंड टॉकिंग टू पीपल और अगर आप लोगों से बात करते हैं योर इमोशंस एंड हार्ट इज गॉन और तब आपकी भावनाएं और आपका हृदय दूर चला जाता है दिस इज होली टाइम और ये बहुत ही पवित्र समय है वन वीक फ्रॉम योर लाइफ आपके जीवन का एक सप्ताह एंड 24 आवर्स यू मस्ट हैव योर इमोशंस योर थिंकिंग योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन द थिंग्स ऑफ गॉड एंड गॉड हिमसेल्फ पूरे 24 घंटे आपकी भावनाएं आपके विचार और आपके मनन आपका हृदय केवल परमेश्वर और परमेश्वर की बातों पर लगे रहना चाहिए एंड कीप इन माइंड और आप इस बात को अपने मन में रखें। You may be 18 years old, और जब आप 18 साल हैं, maybe 20 years old, आप 20 साल के हैं। But before you know it, you are dead. लेकिन इससे पहले कि आपको इस बात की जानकारी हो, आप मर जाते हैं। 100 years from now, आज से 100 साल के बाद, you will not be living here. आप यहाँ पर जिंदा नहीं रहेंगे। You will take nothing with you. और आप आपके साथ कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे। But you're going to meet God. और आपको परमेश्वर से मिलना होगा। And this life is a classroom where we prepare ourselves for eternity. और ये एक ऐसी कक्षा है जिसमें हम अपने आप को उस अनंत काल के लिए तैयार करते हैं एंड दिस वीक इज वेरी स्पेशल और ये जो सप्ताह है बहुत ही विशेष है एंड योर फ्यूचर इज नाउ आपका भविष्य अभी है नॉट लेटर बाद में नहीं टुडे व्हाट यू आर इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी आज जो आप हैं कल आप वही होंगे एंड बी केयरफुल इसलिए बहुत ही सावधान रहें देयरफॉर गिव योर होल हार्ट टू सी गॉड This week. और इसलिए इस पूरे सप्ताह में अपने संपूर्ण हृदय के साथ आप अपने परमेश्वर को ढूंढें। The Western theology has taught us wrong things. और पाश्चात्य जो ईश्वरवाद है, उन्होंने हमको गलत बातें सिखा दी है। They say understanding doctrines and the Bible is knowing God. वे सोचते हैं कि बाइबल के सिद्धांतों को और बाइबल को समझना ही परमेश्वर को जानना है That is not true. लेकिन वो बात सत्य नहीं है Bible is given to us that we may know God. बाइबल हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर को जान सकें When Jesus talked to people, जब यीशु मसीह लोगों से बात करते थे they were known as Pharisees. और वे फरीसी लोग थे And Jesus said, यीशु मसीह ने कहा You study the Bible. तुम बाइबल तो पढ़ते हो यू नो ऑल द डॉक्ट्रिन्स और इसके सारे सिद्धांतों को जानते हो यू सेंड मिशनरीज टू स्प्रेड इट और तुमने मिशनरियों को तुमने भेजा है बट परंतु ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू हेल फायर लेकिन तुम सब उस आग में नरक की आग में जाओगे व्हाई क्यों बिकॉज द वर्ड टॉक्स अबाउट मी जीसस सेड बट यू डोंट वांट टू गेट टू नो मी क्योंकि ये वचन यीशु मसीह ने कहा मेरे विषय में बात करता है और तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते That is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है Knowing God is an experience. परमेश्वर को जानना एक अनुभव है It is not something you create. और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उसको निर्मित करते हैं It is something inside you that changes you. ये तो आपके भीतर ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको बदलती हैं And the Bible says, बाइबल कहती है You will seek me And you'll find me when you search for me with all your heart. Bible कहती है कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे यदि संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे. Young people, this is the best time in your life. जवानों, ये समय आपके जीवन का उत्तम समय है. I was 16 years old when I heard these things. ये बातों को जब मैंने सुना उस समय मैं 16 साल का था And I had to make some choices. और उस समय मुझे चुनाव करने थे I remember that night. और वो रात को मैं याद करता हूँ I knelt down beside my bed. और मैं अपने पलंग के किनारे घुटने में आ गया And offered my life to Christ. और मैंने परमेश्वर को अपने जीवन को अर्पित कर दिया The rest of my life. और मैंने अपने जीवन पूरा जितनी And जिंदगी I said, थी Jesus, और मैंने कहा यीशु I don't have anything to give it to you. और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको दे सकूं A small skinny body. और मैं छोटा सा एक शरीर है जो केवल चमड़ी है उसमें I don't have degrees. और मेरे पास कुछ भी डिग्री नहीं I don't है have money. मेरे पास रुपये नहीं है But all I have, लेकिन जो कुछ मेरे पास I give it to you. है मैं सब आपको देता हूँ By life or death. By life or death. और चाहे जीवन हो या मृत्यु You can do whatever you want. आप जो चाहें आप मेरे से कर सकते हैं And that's been a long journey. और वहां से लेकर के बहुत ही लंबी यात्रा Today मेरी I'm 68 रही है. years old. और आज मैं 68 साल का हूँ I have no regrets in my life. और मेरे जीवन में कोई भी मुझको पछतावा नहीं है If I have one regret, और यदि मुझे एक अगर पछतावा है that is that I did not love people enough.
और वो है कि मैंने लोगों को ज्यादा प्यार नहीं किया. I was not kind enough. मैं लोगों के प्रति दया मैंने नहीं दिखाई. Why? क्यों? If you know Jesus, यदि आप यीशु को जानते हैं, if you know God, यदि आप परमेश्वर को जानते हैं, you become less. आप छोटे बन जाते हैं. You become everything. और वो सब बन जाता है. So this week is very important. और इसलिए ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है. And what I tell you are very serious. और मैं आपसे जो बोलता हूँ बहुत ही गंभीर बातें हैं. So please. Don't let your cell phone be your enemy of your spiritual life. और इसलिए आपके आत्मिक जीवन का दुश्मन आपके मोबाइल को न बनने दीजिए. Turn it off this week if you can. और अगर यदि हो सके तो ये पूरे सप्ताह के लिए आप उसे बंद कर दें. And read your Bible. अपनी बाइबल को पढ़ें. Pray alone. अलग अकेले में प्रार्थना करें. This is a very big community. और एक बहुत ही बड़ा समुदाय है. And thousands of trees. और यहाँ पर हजारों पेड़ हैं. You can sit under the tree. और आप पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं अकेले में and pray. और प्रार्थना करें. God is hearing you. और परमेश्वर आपकी सुनता है. It's all up to you. और ये आपके ऊपर निर्भर करता है. Don't let your friendship take your time away. आपकी मित्रता आपके समय को बर्बाद न करने पाए. You are not here to talk to your friends. आप यहाँ पर अपने मित्रों से केवल बात करने के लिए you नहीं are here है. To hear from God. आप यहाँ पर परमेश्वर से सुनने के लिए हैं. To talk to God. आप परमेश्वर से बात करें. And I believe you will do that. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे. And may God help all of us. और परमेश्वर हम में से हर एक की मदद करे. To repeat again what I said. और एक बार फिर से जो मैंने कहा है मैं उसको पुनरावृत्ति करता हूँ. The times of the meetings are absolutely Milton. और समय इस सभा के लिए जो निर्धारित की गई है वो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सख्त है. To the extent if I am late. और आज यदि मैं विलंब हो गया. I will not come in the meeting. और मैं मीटिंग में मैं नहीं आऊंगा. I will go away. मैं चला जाऊंगा. And that is that serious it is. और ये इतनी गंभीर बात है. And when you get back to your diocese. और जब आप अपने डायसिस में वापस जाते हैं. Your local churches. और आपकी जो स्थानीय जो कलीसिया है. And you should tell them. और आप उन्हें कहें. You should tell your parents. अपने माता-पिता से कहें. Everyone. हर एक को कहें. We must be on time to worship God. परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सब समय के अनुसार उपस्थित हो जाएं. The future of the church is in your hand. हमारे कलीसिया का भविष्य आपके हाथों में है. The future of our nation is in your hand. हमारे राष्ट्र का भविष्य आपके हाथों में है. And let us be disciplined. और इसलिए आइए हम अनुशासित हो जाएं. I'm glad you listened so carefully. और मैं काफी खुश हूं कि आप बहुत ही सावधानी के साथ आप सुन रहे हैं. And the remaining few minutes. और बचे हुए कुछ मिनटों में. I want to tell you about the church. मैं आपको चर्च के विषय में कुछ कहना चाहता हूं. Jesus said. यीशु मसीह ने कहा. When life is over on earth. जब धरती पर की जिंदगी जब समाप्त हो जाती है. In heaven. स्वर्ग में. There is no husband, no wife, no children. ना तो कोई पति है, ना पत्नी है, ना कोई बच्चे हैं. We all are going to be like angels. और हम सब स्वर्ग दूतों की नाई होंगे. Just like when Jesus rose from the dead. और जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे वैसे ही. A new body we will have. हमको एक नई देह मिलेगी. And he will come back soon. और वो जल्द वापस आएंगे. Nothing on earth is permanent. इस धरती पर कोई भी चीजें स्थाई नहीं है. But one thing is permanent. लेकिन केवल एक चीज स्थाई है. From time it goes in eternity. और वो समय जो अनंत काल की ओर जाता है. That is the church. और वो कलीसिया है. That is only permanent thing for time and eternity. और वो केवल समय और अनंत काल के लिए वही मात्र एक स्थाई चीज है. As a matter of fact. और ये वास्तविकता का तथ्य की है. Began in the heart of God in eternity past. कलीसिया जो है परमेश्वर के हृदय में अनंत काल जो पीछे था वहां से शुरू हुई. That's what Saint Paul said. और यही तो प्रेरित पौलुस भी कहता है. The mystery that was in the heart of God the Father. वो परमेश्वर पिता के हृदय में वो जो रहस्य था वो कलीसिया थी. And later he explained it. और जब समय बीता बाद में तब परमेश्वर ने उसको विस्तार पूर्वक वर्णन किया. So this time is what we have. और ये समय जो हमारे पास है. And during our life on earth. और इस धरती पर हमारा जो समय है. The most important, the only important thing is be part of the Holy Church. हमारे जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और केवल एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है वो है पवित्र कलीसिया का भाग होना. And the Bible says. और बाइबल कहती है. It is for the church. Jesus gave his precious blood. और ये तो कलीसिया ही है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू को दे दिया. And the Protestant Western theology will tell you. और जो प्रोटेस्टेंट के जो पाश्चात्य थियोलॉजियन है वो बताते हैं. You are an individual. और आप एक व्यक्ति हैं. You
Make your own spirituality. आप अपनी आत्मिकता का स्वयं निर्माण करें. You interpret the Bible the way you want. और जैसा आप चाहें वैसे आप बाइबल की व्याख्या कर सकते हैं. It's all up to you. ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है. This is the lie of the devil. और ये शैतान के द्वारा बरगलाया गया झूठ है. And young people, you need to engage your mind to think what I'm telling you. मेरे जवानों, आपको अपने मस्तिष्क को जिन बातों को मैं बोल रहा हूँ उसमें आप समाहित रखें. Where did he reveal himself? कहां पर उसने आखिर अपने आप को प्रकट किया? In the church. कलीसिया में. And that's where we understand the ways of God. और वहां पर हम परमेश्वर के मार्ग को उनके गतिविधि को हम समझते हैं. So the most precious thing we have in life is our church. और इसलिए हमारे जीवन में जो सबसे कीमती और बहुमूल्य जो चीज है वो है हमारा चर्च है. You need to understand that. आपको इसे समझना है. Why? क्यों? Because it is like we all are traveling in a ship. और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मानो हम सब एक ही जहाज में यात्रा कर रहे हैं. It is sailing on. और हम लोग जहाज में हम लोग यात्रा कर रहे हैं. And when time comes to an end. और जब समय जब अंत हो जाता है, विराम होता है, और जो जहाज है वो और आगे बढ़ते जाता है. We are in the church, the ship. और हम लोग चर्च में हैं, एक जहाज में हैं. Just like the ark of Noah. और बिल्कुल नूह के जहाज के समान. You must understand the beauty, the value, the need of the holy church. आप पवित्र कलीसिया की सुंदरता को और उसकी जरूरत को आप समझें. We are living in a dangerous time. और हम लोग बहुत ही खतरनाक समय में रह रहे हैं. Every day somebody starting something called a church. और यहाँ पर प्रत्येक दिन कोई भी एक नई चीज की शुरुआत करता है और बोलता है कि वो चर्च है. And somebody said in some parts of India every house is an organization. और भारत में कई जगहों में बोला जाता है कि हर एक घर ही चर्च है. All thousands. हजारों की संख्या में. There are 48,000 different denominations now in the world. संसार में आज 48,000 से ज्यादा संस्थाएं पाई जाती हैं. They all call it a church. और वे सब चर्च ही कहलाते हैं. Are they all church? क्या वे सब के सब चर्च हैं? I say no. मैं कहता हूं नहीं. No. नहीं. No. नहीं. Look at him. मेरी तरफ देखिए. आप देख रहे हैं? तो बेकरी है, ऊंड है, इसी एक काऊ और अ डोंगी. क्या आप एक गाय को और या एक कुत्ते को देखते हैं? कुत्ता मैं नहीं बोला यार. ओके से आर यू अ डॉग? क्या आप कुत्ता हैं? आप कुत्ता है मैं पूछते हैं आपको. नहीं है ना? नो. आप क्या है? What are you? मनुष्य. मनुष्य. Yes, he's a man. How do we know you are a man? इस बात को हम कैसे जानते हैं कि आप मनुष्य हैं? He got a nice head. आपका एक सुंदर सिर है. Two ears. दो कान हैं. And a nose. और नाक भी है. And he got teeth. और दांत भी है. Nice head. और सुंदर सिर है. And he got two hands. और दो हाथ भी हैं. And two legs. दो पैर हैं. And he got a heart here. और यहाँ पर हृदय भी है. Two eyes also. दो आंखें भी है. ये तो मनुष्य है. If I call him a cow, or guy, or cow, what do you think? और यदि मैं इन्हें गाय कहूं तो आप क्या सोचते हैं? If I say you are a, he is a dog, what do you think? और यदि आप कहें कि कुत्ता है तो आप क्या सोचेंगे? आप बोले और तो मेट्रोपॉलिटन को पागल हो गया. मेट्रोपॉलिटन इज मैड. मेट्रोपॉलिटन पागल हो गए हैं क्या? So we don't call our father a dog or a cow or a monkey or donkey. और इसलिए हम अपने याजक को गाय, बैल या कुत्ता या गधा नहीं बोलते हैं. He's a man. वो एक पुरुष है. The same way. और वैसा ही. When you look at all the so-called Christian organizations and churches. और जब आप चारों तरफ जो आज मसीही संस्थाएं कहलाती है, चर्च कहलाते हैं. They call themselves church. और वे अपने आप को चर्च बोलते तो हैं. डोंगी कैन से आई एम अ मैन. और एक गधा क्या बोल सकता है कि मैं मनुष्य हूं? यू कैन राइट अ बिग
board and put it on the donkey. I am a man. और एक गधे के ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लिख करके आप वहां पर लिख सकते हैं कि मैं एक मनुष्य हूं, पुरुष हूं. And people who do not know the difference. और जो लोग अंतर को नहीं पहचानते हैं. They're all blind. और वे सब के सब अंधे हैं. And they think that is a church. और वे सोचते हैं कि वो चर्च है. And that's a man. It is not. और वो मनुष्य नहीं है, ऐसा नहीं है. This is very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Please listen carefully. और बहुत ही ध्यान से सुने आप. All the people that say they are church, independent, this, that, all names, they are not really church. और जितने लोग जो स्वतंत्र हैं और विभिन्न प्रकार के नामों से और संस्थाओं से जाने जाते हैं वो चर्च नहीं है. Sometimes we need to know what is wrong. और हमको कभी कभी जानने की जरूरत है कि आखिर गलत क्या चीज है. Our problem sometimes we do not know what is wrong. और हमारी समस्या ये है क्योंकि हम नहीं जानते कि गलत क्या है. Once we know that is not right, then we can make right decision. और यदि हम इस बात को एक बार जान जाते हैं कि वो सही नहीं है तब हम लोग एक सही निर्णय ले सकते हैं. Use your brain. आप अपने मस्तिष्क का उपयोग करें. Read the Bible. अपनी बाइबल को पढ़ें. Okay, now in this meeting place. और ये पूरे तंबू में जो सभा का स्थान है, we have lot icons placed. और हमने बहुत सारे यहाँ पर चित्रों को रखा है. And you should look at them. और आप उनको आप देखें. Look at those icons. और आप उन चित्रों को देखें. They are pictures. वो तस्वीरें हैं. From 2000 years. और पिछले 2000 सालों से. You will see the picture, the icon of St. John Chrysostom. और वहाँ पर सेंट जॉन क्रिसोस्टम के भी आप उनके चित्र को आप देखेंगे. Mother Mary, the mother of God. और वो जो मरियम माता है जो उसकी आप तस्वीर को देखते हैं. And all the saints that went before us. और जितने भी संत हैं जो हमारे आगे आगे चले हैं. How old is the church? आखिर कलीसिया कितनी पुरानी है? Sometimes people ask, how old is our church? और कई बार लोग हमसे भी पूछते हैं कि हमारी कलीसिया कितने दिनों की है. And I tell them, और हम उन्हें कहते हैं 2000 years old. 2000 साल पुरानी. And they cannot believe it. और ये विश्वास नहीं कर सकते. And I tell them, I'm telling the truth. और तब फिर मैं बोलता हूँ, अरे बाबा मैं आपसे सत्य बोल रहा हूँ. And then I explained to them. और तब मैं उनको बताता हूँ. I said, father is a man. और जैसा कि मैंने कहा कि फादर जो है मनुष्य है, पुरुष है. If you go back 2000 years. यदि आप 2000 साल पहले अगर आप चले जाएं. And trace the DNA of our father back for 2000 years ago. His great, 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 great. Papa ji, bandar nahi tha. He was a man. यदि मैं फादर के डीएनए को, गुणसूत्र को अगर लेकर के पिछले 2000 साल पहले उनके पूरे पीढ़ी का अगर मैं मूल्यांकन करूं तो उनके जो दादा के दादा के दादा के पर दादा वो बंदर नहीं थे. फर्स्ट क्लास इंडिया है. अरे मेरे को सीखना. यू टीच मी हिंदी. मैं तो हिंदी में प्रीच करेगा. द सेम थिंग. और बिल्कुल ऐसा ही. हाउ डू वी नो ए चर्च इज रियल. हम कैसे जानेंगे कि कलीसिया वास्तविक है. यू नो व्हाट जीसस सेड. आप जानते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा. डेंजरस थिंग. सबसे जो बड़ी खतरनाक चीज है. Is Satan will deceive you. शैतान आपको धोखा देगा. And Saint Paul said. और पौलुस ने कहा. There are preachers. बहुत सारे प्रचारक हैं. There are people. बहुत सारे लोग हैं. That pretend to be representing God. जो अपने आप को दिखावा तो करते हैं कि वे परमेश्वर को प्रस्तुत कर रहे हैं. Sometime ago. कुछ समय पहले. Our respected Prime Minister जी. हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी. श्री नरेंद्र मोदी जी ने. एंड दे डिसाइडेड टू टेक आउट द 500 रुपी नोट्स. और उन्होंने निर्णय लिया कि 500 के जितने भी नोट होंगे उनको बाहर खींच लेंगे. एंड व्हाई. क्यों. दे सेड देयर आर सो मच डुप्लीकेट काउंटरफिट प्रिंटेड एंड सर्कुलेटिंग. इट इज हर्टिंग आवर इकोनॉमी. क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत सारे 500 के जाली नोट छापे जा रहे हैं और चारों तरफ फैल गए हैं जो हमारे असली जो नोट है उसको वो धोखा दे रहे हैं. And I had a few 500 rupee notes. और मेरे पास भी कुछ ऐसे नोट थे. I didn't lose it. और मैंने इसे खोया नहीं. I gave it to someone to go to the bank. और मैंने किसी को दिया ताकि वो बैंक चले जाए. But some people lost everything. लेकिन कुछ लोग थे जो उन्होंने सब कुछ खो दिया. But परंतु what happened? क्या हुआ. Now I hear. अब मैं सुनता हूं. The new currency they printed.
और जो नया जो मुद्रा जो प्रिंट किया गया है छापा गया People have made counterfeit of that. और उसका भी जाली नोट आज बन चुका है I was talking to a bank officer. और मैं एक बैंक के ऑफिसर से बात कर I रहा said, था मैनेजर साहब और मैंने कहा कि संस्थापक जी दिस न्यू करेंसी और ये जो नया जो नोट है it's real? और क्या ये रियल है सही है And he said, और उसने कहा मेट्रोपॉलिटन Metropolitan. Now they are making it so perfect, it's hard to recognize what is right and wrong. और जो duplicate note बना रहे इतना कठिन हो जाता है कि हम कैसे पहचाने कि क्या सही है क्या गलत है. Don't get scared. आप डरे नहीं. डरना मत. Hello. Hello. अरे बोलो यार कुछ नहीं बोलो हाउ आर यू आप कैसे हैं अरे ये लड़की है लड़का है दिस इज हाउ Thousands of churches all over the world today. और बिल्कुल ऐसा ही आज पूरे संसार में हजारों संस्थाएं चर्च ऐसे ही looks like a real human being. और बिल्कुल एक वास्तविक मनुष्य के जैसा तो दिखता है. As a matter of fact, out of wax they make real people. People look real. और बिल्कुल एक ऐसा बनाते हैं कि वो बिल्कुल वास्तविक दिखाई देने लगते हैं. महात्मा गांधी जी. महात्मा गांधी के विषय में. And Buddha. बुद्ध के विषय में and so many the people और बहुत सारे ऐसे लोग हैं and they are made of the skin tone so perfect और बिल्कुल उनके जो चमड़ियां हैं ऐसा बिल्कुल एकदम सिद्ध बना हुआ है I remember one time when I went to America और एक बार मैं याद करता हूं when I first went there to study और जब मैं सबसे पहले वहां पढ़ने गया I was in college और मैं कॉलेज में था and my friend took me to see some People and her prayer meetings. और तब मेरे मित्रों ने मुझे कहा कि चलो हम प्रार्थना में जाएंगे कुछ लोगों से मिलेंगे I was so happy to see all the beautiful flowers and green, green, green leaves on those plants. और मैं बहुत ही खुश था उन सुंदर पौधों को देखकर फूलों को देखकर हरी पत्तियों को देखकर So Indians got a sickness. और भारतीयों की बीमारी है एक बीमारी है Whatever they see, they want to touch. और जो भी वो देखते हैं वो छूना चाहते हैं So I did the same thing. और मैं भी धीरे से I went and touched those flowers. और जाकर के मैंने उस फूलों को छू लिया I said, this is not real. और मैंने कहा अरे तो बहुत ही वास्तविक है Those flowers were absolutely beautiful. और वे जो फूल थे सचमुच बहुत ही सुंदर थे And they can also spray the same scent on it. और उसमें बिल्कुल वैसे ही खुशबू सेंट उन पर छिड़कते हैं but it was made of synthetic material. लेकिन वो कृत्रिम तत्वों से बनाया गया था it was plastic. और वो प्लास्टिक था this is the situation of the church many times. और कई बार कलीसियाओं की दशा आज ऐसी ही है that's the reason why I tell our priests and our bishops and everyone और इसलिए मैं हमारे बिशप लोगों को याजकों को और सबको मैं बोलता हूं do not go to these other groups and whatever they call themselves and spend your time hearing the wrong thing taught aur isliye dusre aise samuday ke logon ke beech mein aap na jaye jo kis tarah ki galat shikshaen dete hain and if this represent the church aur wo kalisiya ko prastut karta hai and if you are part of the body yadi aap is deh ke ang hain hisse hain the bible says bible kehti hai Jesus is the head of the church. प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के सिर हैं. And on earth, और धरती पर, He appoints people to lead His church. और लोगों को उसने नियुक्त किया है कि वे कलीसिया की अगुवाई करें. Holy Father in Rome, Pope.
और रोम में अगर उस पवित्र अगर पिता के विषय में बात करें पोप के विषय में और हेड्स ऑफ द चर्चेस लाइक मेट्रोपॉलिटन्स और हमारे चर्च के जो सिर हैं हमारे मेट्रोपॉलिटन मुख्य व्यक्ति वी आल्सो एक्नॉलेज जीसस इज द हेड और हम इस बात को आभारोक्तिपूर्ण अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह हमारे कलीसिया का सिर है आई एम नॉट द हेड ऑफ द चर्च मैं हमारे चर्च का मुखिया नहीं हूं बट ही हैज प्लेस्ड मी टू बी द फादर एंड मेट्रोपॉलिटन ऑफ द बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च वर्ल्ड वाइड लेकिन परमेश्वर ने मुझे हमारे बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के लिए आत्मिक पिता और मेट्रोपॉलिटन के रूप में नियुक्त किया है दैट आल्सो आई डिडंट चूज मायसेल्फ और इसका भी चुनाव मैंने स्वयं नहीं किया आवर आर्चबिशप्स डिसाइड्स दैट हमारे आर्चबिशप लोगों ने यह निर्णय लिया बट जीसस इज द हेड लेकिन यीशु मसीह सिर है एंड देन दिस इज द बॉडी और उसकी देह है And what is the body? Where is the body? और आखिर देह कहाँ पर है? The Bible says. Bible कहती है. We are the body of Christ. हम लोग मसीह की देह हैं. You are. आप. And Jesus said. यीशु मसीह ने कहा. If you abide in me. यदि तुम मुझ में बने रहो. And I in you. और अगर मैं तुम में बना then रहूं. You have life. और तब तुम में जीवन you है. You are linked with the Father. और आप पिता से जुड़ जाते हैं. And the saints. And the saints और जो संत हैं and the church in heaven और स्वर्ग में जो कलीसिया है heaven itself और स्वर्ग में ही you know when we gather for worship क्या जानते हैं कि जब हम आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं I'll tell you more about it later और मैं इसके विषय में और बाद में आपको बताऊंगा when we go to a cathedral और जब हम लोग कैथेड्रल में जाते हैं you go to your church और या फिर चर्च में जाते हैं when we are worshiping और हम वहां पर आराधना करते रहते हैं never think we starts worship आप कभी भी इस बात को ना सोचे कि आप आराधना का आप आरंभ कर रहे it's हैं been going on for eternity और वो तो अनंत काल से आराधना चली आ रही है the angels and archangels स्वर्गदूत और प्रधान स्वर्गदूत and the saints in heaven और जो स्वर्ग में संत हैं and now my parents are there और मेरे माता-पिता भी वहां पर हैं They are worshiping God. और वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं. And the Hebrews says in the Bible. और बाइबल में इब्रानियों की पत्री में लिखा है. They are part of the worship. और वे सब के सब आराधना के हिस्से हैं. We cannot see them. और हम उन्हें देख नहीं सकते. But they can see us. लेकिन वे हमें देख सकते हैं. Someday. आएगा एक दिन. When you die. जब आप मरेंगे. You will be there. आप वहाँ पर होंगे. And Now we are the body of Christ. और अब इस समय हम लोग कलीसिया की देह हैं, मसीह की देह हैं। But परंतु if यदि this one here if this comes off और यदि उसको काट दिया जाए क्या फायदा है when this is part of that और लेकिन जब वो उसका हिस्सा था is part of the body तब वो पूरे शरीर का हिस्सा था that's what Jesus said और ऐसा तो यीशु मसीह ने कहा if you abide in me यदि तुम मुझ में बने रहो you are in me तुम मुझ में हो and I am in you और मैं आप में हूं how कैसे all the vitamins and life flows into the hand और जितने भी विटामिन्स हैं और पूरे जीवन हैं वो पूरे अंगों में प्रभावित होती हैं। So when somebody says I am a church, और यदि कोई कहता है कि मैं चर्च हूँ, I am a man, और मैं मनुष्य हूँ, I am a woman, और मैं एक स्त्री हूँ, they are independent, स्वतंत्र हूँ, you must be careful, आप सावधान हो जाएं। It could be Satan making counterfeit, और ये शैतान हो सकता है जो एक जाली का काम कर रहा हो सो वेन वी से बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च जब हम बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च बोलते हैं वी आर नॉट द ओनली चर्च हम लोग ही केवल चर्च नहीं है बट परंतु एनी चर्च कोई भी चर्च हो दैट बिलीव्स जो विश्वास करता है एंड कंटिन्यूज और जो लगातार बढ़ता है द सेम रिवर दैट बिगन 2000 इयर्स अगो और 2000 पहले जिस नदी की शुरुआत हुई है उसी नदी की धारा में अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन प्रेरितों के द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों के अनुसार अपोस्टल्स ट्रेडिशन प्रेरितों की परंपराओं के आधार पर दी टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आई विल टेल यू समथिंग मैं आपको कुछ कहता हूं यू हैव टू लिसन केयरफुली आपको सावधानी से सुनना है बट बिफोर आई डू लेकिन इससे पहले कि मैं करूं आई मस्ट टेल यू आई हैव 10 मिनट्स लेफ्ट और मेरे पास केवल 10 मिनट बाकी स्टैंड देयर फॉर 1 सेकंड और आप 1 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं Because I didn't want you to pray for me now. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी आप मेरे लिए बैठ करके प्रार्थना करें. Some लोग they close their eyes. और कुछ लोग अपनी आँखों को बंद कर इस तरह से झपकियाँ लेते हैं. And somebody poke them. और कोई उसे टूंच देता है. They say I was praying. और बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो प्रार्थना कर रहा था. झूठ बोलता है. वो झूठ बोल रहा है. All right.
You're alive. आप लोग फिर से जागरूक हो गए. Thank you. धन्यवाद. बैठना है बैठिए. बैठ जाइए. Here I have the Holy Bible. मेरे पास एक पवित्र बाइबल है. God's holy word. परमेश्वर का पवित्र वचन. Every word is from God. प्रत्येक वचन परमेश्वर का है. Comma, full stop, hyphen, every word. एक एक कॉमा मात्राएं बिंदु सब कुछ परमेश्वर का वचन है. Holy word. ये परमेश्वर का पवित्र वचन है. The Old Testament has 39 books. पुराने नियम में 39 किताबें हैं. New Testament has 27 books. और नए नियम में 27 किताबें हैं. And the church decided this is God's word. और चर्च ने निर्णय लिया कि ये परमेश्वर का वचन है. The 27 books in the New Testament. और नए नियम में जो 27 किताबें हैं. You know when that was decided? क्या आप जानते हैं कि उसको कब उसका निर्णय लिया गया था? It is called canonizing the scripture. उसे शास्त्र का canonization कहा जाता है. And the church declared, this is God's word. और चर्च ने घोषित किया कि यह परमेश्वर का वचन है. And the bishop of Rome was the one who made the list. और रोम के जो बिशप थे उन्होंने इसकी सूची बनाई. Those 27 books. वो 27 किताबों का. That was in AD 395. और वो 395 शताब्दी में हुई. So nearly 400 years. और केवल लगभग 400 साल में. There was no New Testament like we have in their hand. और जैसे हमारे हाथों में आज नए नियम है वैसा उनके हाथों में नहीं था. The question. प्रश्न ये है. How did the church maintain the faith all over the world? Including India, the churches and all nations without the New Testament. नए नियम के बगैर पूरे संसार में उस सालों तक कैसे आखिर उन्होंने अपने विश्वास को उन्होंने बरकरार रखा? Think about it. आप इसके विषय में सोचे. The most quoted verse in the Bible is John 3:16. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद जिसे सबसे ज्यादा कोट किया जाता है. You know that. आप उसे जानते हैं. For God so loved the world, he gave his only begotten son. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया. Then another verse. और तब एक दूसरा पद है. Saint John chapter 3 verse 3. और यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय का 3 पद. He must be born again. आपको अवश्य रूप से नया जन्म लेना चाहिए. Here is a question. प्रश्न ये है. When was that gospel written? आखिर वो सुसमाचार कब लिखा गया था? After Jesus died, ईशु मसीह के मृत्यु के बाद, some 50 years will go by. 50 साल गुजरने के बाद, before that is written. और उसी समय तो लिखा गया था. The question is this. लेकिन प्रश्न ये है. How did the church survive? लेकिन आखिर कलीसिया कैसे इतने दिनों तक जीवित रही? From the first century, पहली शताब्दी में, there were lot of false teachers like today. जैसे आज बहुत सारे झूठे शिक्षक हैं वैसे ही झूठे शिक्षक उन दिनों में हुआ करते थे. Most all of them by individuals. और उनमें से हर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत वो करते थे. They were very clever people. और बहुत ही ज्यादा उन लोग बुद्धिमान लोग थे. They were teaching false things. और वे गलत चीजों को लेकर के आते थे. And today, लेकिन आज, if somebody does that, यदि कोई ऐसा करे, he will say, और वो कहेगा, अरे क्या यार, I don't believe what you are saying. The Bible says like that. और वे बोलेंगे, अरे जो आप बोलते हो मैं विश्वास नहीं करता, बाइबल ऐसा कहती है. But 400 years. लेकिन 400 साल. They had the teachings of the apostles. उनके पास केवल प्रेरितों की शिक्षा थी. But it was not stamped as canonized scripture. लेकिन वो शास्त्र जो था मुद्रित नहीं किया गया था. But how did they survive? लेकिन आखिर कैसे इतने समय तक कलीसिया जीवित रही? How did they withstand false doctrine? और कैसे उन्होंने जो गलत शिक्षाएं थी उसका सामना किया? It was by the holy tradition that was handed down by the apostles. और वो तो केवल वो पवित्र परंपराएं थी जो प्रेरितों के माध्यम से उन तक पहुंचाई गई थी. For example, उदाहरण के तौर पर, when we have the service of the Eucharist, Holy Communion. जब प्रभु भोज की सेवा या विधि जब पूरी की जाती है, if you listen carefully, यदि आप बहुत ही सावधानी पूर्वक सुने, you hear the words the priest say.
तब आप याजक के द्वारा कहे गए शब्दों को सुनते हैं. यू सी द प्रेयर्स टू द होली स्पिरिट. आप पवित्र आत्मा से कही गई प्रार्थनाओं को you सुनते हैं. यू सी द लेइंग योर हैंड्स ऑन द ब्रेड एंड द वाइन. और आप देखते हैं कि रोटी और दाखरस के ऊपर हाथों को रखा जाता है. हाउ व्हाई वी डू दैट. आखिर हम सब ये क्यों करते हैं. हु टोल्ड अस टू डू दैट. हमें किसने कहा ऐसा करने के लिए. आई टेल यू हु टोल्ड अस. मैं आपको बोलता हूं किसने कहा हमें. द फर्स्ट बिशप ऑफ यरूशलेम. यरूशलेम का जो पहला बिशप था Bishop James. और वो था बिशप याकूब. He is the first one who wrote down the way in which we should conduct Holy Communion. और यही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले लिखा कि हमको किस तरह से प्रभु भोज की विधि को पूरी करनी है. It is called Saint James Liturgy. जिसे संत याकूब आराधना की विधि कही जाती है. What is the most important event in history? इतिहास में जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई. I can tell you, मैं आपको बोल सकता हूं. It is the coming of Christ. और वो है मसीह का आगमन. It is the death of Christ. यीशु मसीह की मृत्यु. It is the resurrection of Christ. यीशु मसीह का पुनरुत्थान. What is the most important thing in eternity? और अनंत काल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. It is Jesus. और वो यीशु मसीह है. In Revelation 5, हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक पांचवें अध्याय में देखते हैं. You read there, आप वहां पढ़ते हैं. God sitting on the throne. परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है. And Saint John says, और वहां पर संत यूहन्ना बोलता है, All the elders in heaven bowing down worshiping him. और स्वर्ग में जितने प्राचीन हैं, वो झुककर उसकी आराधना करते हैं. But then he says, लेकिन फिर लिखा है, He looked like a lamb that was slain. लेकिन वहां पर लिखा है कि ऐसा दिखता है मानो एक वध किया हुआ मेमना हो. In heaven, स्वर्ग में, you see Jesus crucified. आप यीशु मसीह को आप क्रूस पर देखते हैं. The lamb that was slain. और वो मेमना जो मेरे लिए वध किया गया. So when we take Holy Communion, और जब हम लोग प्रभु भोज लेते हैं. When we go to Eucharist, जब हम प्रभु भोज में हम शामिल होते हैं. How do we do it? हम इसे कैसा करते हैं. And the disciple of Christ, मैं यीशु मसीह का शिष्य हूँ. And the bishop of the church in Jerusalem in the first century. और यरूशलेम में पहली सदी में जो चर्च के बिशप थे. Jesus must have told him. यीशु मसीह ने उन्हें अवश्य रूप से कहा होगा. When you conduct the Holy Communion. जब तुम प्रभु भोज की आराधना जब करो. And I am there. और मैं वहां पर रहूंगा. I am there with you. मैं वहां पर तुम्हारे संग हूँ. This is my body. और ये मेरी देह है. This is my blood. और ये मेरा लहू है. But. परंतु. For it to be my body. लेकिन मेरी देह बनने के लिए. For it to be my blood. और मेरे लहू होने के लिए. This is how you should do it. और हमको इस तरह से हमको करना चाहिए. And he wrote it down. और उन्होंने लिख लिया. That is the liturgy of believers Eastern Church. और हमारे believers Eastern Church की आराधना की विधि वही तो है. Orthodox churches have that. और Orthodox की कलीसियाओं में भी है. Marthoma Church have that. Marthoma Church के पास भी है. The Catholic Church have that. और Catholic Church के पास भी है. They all follow the liturgy for 2000 years. और 2000 सालों से जो लिटर्जी है, आराधना की विधि है, उसका वे पालन करते हैं. But there are so many thousand independent groups. लेकिन आज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र समुदाय हैं. And you check the DNA. और आप उनके DNA को चेक करें. You will find it is not real. और आपको पता चलेगा कि वो वास्तविक नहीं है. And Jesus said. यीशु मसीह ने कहा. In the last days. अंतिम दिनों में. Many will be deceived. बहुत सारे लोग धोखा खा जाएंगे. And today this is happening. और आज ऐसा हो रहा है. Unfortunately. दुर्भाग्यपूर्ण. From America. अमेरिका में. From Europe. यूरोप से. All these false doctors are coming through television. और आज के जो टेलीविजन है उसमें झूठे शिक्षक लोग आ जा रहे हैं. And these individuals. और ये जो व्यक्ति लोग हैं. They gather disciples unto themselves. और बहुत सारे जो शिष्य हैं वो अपने लिए इकट्ठे करते हैं. And they call themselves church. और वे अपने आप को चर्च बोलते हैं. It is not. लेकिन वो नहीं है चर्च. My brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों. My children. मेरे बच्चों. You listen carefully. आप बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान से सुने. You are in a safe place. और आप लोग सुरक्षित जगह में हैं. Your church is a safe haven. आपकी कलीसिया बिल्कुल एक सुरक्षित जगह है आपके लिए. Believe in it. आप इस पर विश्वास करें. Be loyal to the church. और आप चर्च के प्रति वफादार रहें. And our Lord Jesus is the only important thing in the world. और पूरे संसार में हमारे प्रभु यीशु मसीह सबसे महत्वपूर्ण है. Because he is the head. क्योंकि वही तो सिर है. But if the body don't function, लेकिन यदि शरीर अगर पूरा काम ना करे, they are not part of it. और तब वो उसके हिस्से नहीं हो सकते. And someday, कुछ दिनों में, these people will hear. और ये लोग सुनेंगे. You said you are my church.
और तुमने तो कहा कि तुम मेरी कलीसिया हो, are not. लेकिन तुम मेरी कलीसिया नहीं Go थे. To hell. नरक में जाओ तुम. Because Jesus coming back for his church. क्योंकि यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए वापस आ रहे हैं. And this we are lot to learn. और ये तो है. And I pray the Lord will give us understanding. और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम में से हर एक को समझ प्रदान करे. And looking at many of you. और आप में से बहुतों को जब मैं देख रहा हूँ. You are very intelligent. और आप बहुत ही ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं. Sharp people. और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं. And I am proud of you. और मुझे आप सब के ऊपर गर्व है. When I see you. जब मैं आपको देखता हूँ. I have whole hope in the world. और पूरे संसार में मेरे लिए एक बड़ी आशा है. That our nations will be blessed by you. क्योंकि हमारा राष्ट्र आपके द्वारा आशीषित हो जाएगा. But with God. और लेकिन ये परमेश्वर के ऊपर है. Without him. उसके बगैर we cannot do it. हम ऐसा नहीं कर सकते. And if we are with God, और यदि हम परमेश्वर के साथ that literally means, और इसका मतलब है, we are part of the holy church. हम पवित्र कलीसिया के हिस्से हैं. May the Lord bless us. परमेश्वर हम सबको आशीषित करे. May the Lord bless his holy church. परमेश्वर अपने पवित्र कलीसिया को आशीषित करे. May the whole world will come to know Jesus and his church. और समस्त संसार प्रभु यीशु मसीह को और उसकी कलीसिया को जान पाए. Would you stand with me? कृपया मेरे साथ आप खड़े हो जाएं. Take the hand of the person standing next to you as we pray. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो आपके करीब में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है आप उसके हाथों को पकड़ लें. By holding their hand. हाथों को पकड़ते हुए you are saying, आप बोल रहे हैं, I am part of the body, holy church. मैं पवित्र कलीसिया मसीह के देह का अंग हूं. And we are grateful to God for that. और हम अपने परमेश्वर के लिए एहसानमंद हैं. Let's close our eyes and pray. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें. Heavenly Father, thank you for this time. स्वर्ग पिता, इस समय के लिए आपका धन्यवाद. Thank you for these my children. धन्यवाद मेरे बच्चों के साथ आप रहे हैं. I say, oh God, bless them. प्रभु मैं कहता हूँ कि आप उन्हें आशीषित करें. Bless them with understanding. आप उनको समझ से आशीषित करें. Protect your church. अपने कलीसिया की रक्षा करें. Lord Jesus, we thank you. प्रभु धन्यवाद करते हैं आपने क्षमा किया. That you are our life. आप हमारे जीवन का उपयोग करें. And we are part of the holy church. और हम पवित्र कलीसिया के हिस्से हैं. Guide us, Lord. प्रभु हमें मार्गदर्शन करें. Bless our bishops. हमारे बिशपों को साक्ष्य सिखाएं. Our archbishops. हमारे आर्च बिशपों को. Our priests. हमारे याजकों को. Our missionaries. हमारे मिशनरियों को. Oh God, we pray. हे प्रभु हम प्रार्थना करते Bless हैं. Our nation. हमारे राष्ट्र को आशीषित करें. Our president. हमारे राष्ट्रपति को. Our prime minister. हमारे प्रधानमंत्री को. All the members of parliament. और जितने भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं सबको. हमारे मुख्यमंत्रियों को. Our people. हमारे लोगों को. In every nation. हर एक राष्ट्र में. Bless all the leaders. हर एक अगुओं को आशीषित करें. We give you all the glory and honor. हम आपको पूरी महिमा और आदर देते हैं. We say this in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं. Amen. 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 Please be seated. कृपया बैठ जाएं.